नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी ने सीएम योगी को लेकर बड़ा बयान दिया है। अफजल अंसारी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने संभाल दिया, नहीं तो पीएम मोदी चुनाव हार गए होते। पीएम मोदी का जादू खत्म हो चुका है। पीएम मोदी जहाँ से चुनाव लड़े उसके आसपास की चंदौली, गाजीपुर और मछली शहर सभी सीटें हार गए। और क्या कुछ कहा है देखिए इस मीडिया रिपोर्ट। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ ने, मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, तीन तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। और मीडिया हमारा कहता था कि मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना। और नहीं, यकीन मानिए मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लग सर। आपका कहना है कि यूपी में मोदी की हार हुई है लेकिन योगी सफल में? हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। 3 सीट होगी जो भारतीय जनता पार्टी, उनका समीकरण या मोदी जी के चेहरे पे आई होगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार अफजल अंसारी ने कहा कि अंतिम चरण में सीएम योगी ने बनारस में मजबूती से प्रयास किया, उनके प्रयास से ही पीएम मोदी की हार बची और यूपी में 33 में से 30 सीटें उनके प्रयास से आई, बाकी 3 सीटें मोदी और बीजेपी की वजह से आई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर अफजल अंसारी ने LG मनोज सिन्हा पर तंज कसा और कहा कि इससे पहले भी चुनाव के दौरान एक आतंकी हमला हुआ था। जिस दिन वो हमला हुआ, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गाजीपुर में चुनाव लड़ रहे थे। आज भी मंत्रिमंडल के विस्तार के अवसर पर दिल्ली में तो नहीं थे। अफजल अंसारी ने सरकार के स्थायी रहने पर भी सवाल उठाया और कहा बैसाखी पर खड़ी है ये सरकार। दोनों बैसाखियों में जो नीचे बाशर लगा हुआ है वो बहुत ही चिकना है, अक्सर स्पील करता है। सरकार तो जोड़ तोड़कर बन गई पर चलेगी कैसे? जनता के सामने जो समस्याएं हैं उन पर सरकार कैसे नियंत्रण करेगी? अफजल अंसारी लोकपाल की नियुक्ति करने की मांग भी उठाई और कहा कि 2014 में ये लोग अन्ना हजारे के पिछले पीछे छिपकर आए थे। देश में भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है उसे हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। इस समय भ्रष्टाचार सीनाजोरी के साथ हो रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सैकड़ों ऐसे नाम हैं जिन्होंने देश के खजाने को लूटा पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार ने अरबपतियों के सैकड़ों करोड़ का कर्ज माफ कर दिया पर गरीब या यदि 6 माह का बिल बाकी तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। आज गरीब और मध्य वर्ग के बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो गया है। स्मृति ईरानी के मंत्री न बनाए जाने पर भी अफजल अंसारी ने तंज कसते हुए कहा कि तमाम ऐसे चेहरों को मंत्री बनाया गया जो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन स्मृति ईरानी चुनाव हार गई जो आज उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। जिस प्रकार से अफजल अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बयान दिया, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अगर जितनी भी सीटें जीती है तो वो केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही, उनके बलबूते पर ही जीती है, नहीं तो बीजेपी हार जाती। पीएम मोदी के जो चेहरे का जादू है वो खत्म हो चुका है। जिस तरीके से अफजल अंसारी ने ये तमाम बयान दिए इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।